भारत में सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रजातियों में ही जहरीले सांप होते हैं। इनमें से भी लगभग 15 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो बहुत अधिक जहरीली हैं और इनके काटने पर मृत्यु भी हो सकती है। इंडियन क्रेट भारत का सबसे जहरीला सांप है। इसके एक बार काटने से इतना जहर निकलता है जिससे 60 लोगों की जान जा सकती है। भारत में इस सांप की 12 प्रजातियां और 5 उप प्रजातियां हैं। भारत में यह सालाना लगभग 10,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह सांप रात में ही निकलता है। इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा को भारत में नाग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। यह ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गांवों के आसपास रहते हैं। यह रेंगने वाले जीवों को, छिपकलियों को और मेंढकों को अपना शिकार बनाते हैं। इंडियन कोबरा सांप को हिंदुओं में पूजा जाता है। भारत में हर साल लगभग 15,000 लोग इसके काटने से मारे जाते हैं। रसेल वाइपर। रसेल वाइपर को भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन क्रेट से कम जहरीला है, फिर भी यह सांप भारत का सबसे घातक सांप है। यह बेहद गुस्सैल सांप बिजली की तेज से हमला करने में सक्षम है। इसके काटने की वजह से भारत में हर साल लगभग 25,000 लोगों की मौत हो जाती है। सा स्केल वाइपर नाम का यह सांप लंबाई में छोटा होता है, लेकिन अपनी गुस्सैल, चिड़चिड़ी और अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति और इसकी घातक जहर शक्ति इसे बहुत खतरनाक बना देती है। भारत में यह सालाना लगभग 5,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। द किंग कोबरा। यह सांप भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 13 से 15 फुट होती है। यह ज्यादातर वर्षा वनों, नम जंगलों, शांत दलदलों और बांस के वनों में रहते हैं। हालांकि ये बहुत ही अधिक जहरीले सांप होते हैं और इनके काटने पर मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन गमगीन है कि यह बहुत ही कम लोगों को काटता है।